तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट व्लॉग। तो भाई आज इस वक्त हम लोग आए हुए हैं अलीगढ़ जंक्शन पे। तो भाई ये पड़ता है आपका रामगढ़ रोड के साइड पे। ये भाई यहाँ पर जो है मतलब सेंट फिटनेस स्कूल के उसके ऑपोजिट भाई आप देख सकते हो जलाली वाली स्वीट्स है। तो जलाली वाली स्वीट्स की जस्ट ऑपोजिट ही यहाँ पर अलीगढ़ जंक्शन का एक स्टॉल है। अलीगढ़ जंक्शन में पाव भाजी बहुत अच्छी मिलती है, यहाँ की पाव भाजी बहुत स्पेशल है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत बढ़िया स्टॉल भाई ने लगाया है मतलब अलीगढ़ जंक्शन का। तो चलिए यहाँ का पाव भाजी ट्राई करते हैं। टाइमिंग्स क्या रहते हैं और कितने बजे खोलते हो? हम लोग यहाँ शाम को 5 बजे से शुरू करते हैं और अब तो 11 और 11:50। ओके हाँ। बहुत बढ़िया। तो आपको 5 to 11 तक चलता है इवनिंग। बहुत सही, बहुत सही। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भाई यहाँ का स्पेशल पाव भाजी बना रहे हैं। पर जो है भाजी बन रही है पर इस तरह आप देख सकते हो यहाँ पर पाव बन रहे हैं। बटर कैसे बटर ही लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त मसाला बटर होता है उसको मसाला में ब्लेंड करके और थोड़ा स्पाइसी और थोड़ा क्रंची। ओके और क्या बोलूँ, टेम्पटिंग कर देते थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। रेगुलर पाव तो सभी देखते हैं बट बिल्कुल बिल्कुल। भाई यहाँ पर जो है मेनू में आपको अलीगढ़ जंक्शन में पाव भाजी के कई तरह के वैरायटी मिल जाएगी। पनीर पाव है, चीज़ पाव है, बटर पाव है, एक्स्ट्रा पाव है और साथ में भाई बर्गर भी मिलता है यहाँ का स्पेशल रेगुलर हॉट डॉग बर्गर। तो यहाँ का यहाँ पर जो है इस अलीगढ़ जंक्शन में दो चीज़ फेमस है, एक तो पाव भाजी और एक बर्गर हॉट डॉग वाला। तो भाई यहाँ पर पाव भाजी जो है काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में है मतलब, और बर्गर भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस है, मेन्यू भी काफ़ी रीज़नेबल है। भाई हमने यहाँ पर पाव भाजी मंगाई है यहाँ पर और अभी मैं इस वक्त गाड़ी में खा रही हूँ क्योंकि भाई बाहर का मौसम आप देख सकते हो बुरा हाल है, बारिश बहुत हो रही है। हमने सोचा चलो गाड़ी पे ही खा लेते हैं। हम शुरू करते हैं यहाँ का स्पेशल अलीगढ़ जंक्शन का पाव भाजी। ये आप देख सकते हो मतलब कैसे बटरी लग रहा है, इसमें खूब सारे हरा धनिया प्याज वगैरह और नींबू दिया है। भाजी जो है कैसी बढ़िया लग रही है मतलब खूब सारे मतलब चीज़ पनीर वाले चीज़ की स्लाइसेस डले हुए हैं और साथ में अमूल बटर डला हुआ है और उसके ऊपर हरा धनिया की टॉपिंग है। तो भाई मैं सबसे पहले तो भाजी शुरू करने से पहले तो मैं नींबू लेता हूँ और नींबू निचोड़ के भाजी में निचोड़ लेता हूँ ताकि मतलब इसे टेस्ट और अच्छा और सौर आए, फ्लेवर जो है काफ़ी अच्छा रहे स्पाइसी। यहाँ पर जो है मतलब हमने मीडियम स्पाइसी मंगाए, आप भैया से आप चाहो तो आप बोल भी सकते हो आपको कितना स्पाइसी रखना है। हमने तो मैंने तो भाई मीडियम स्पाइसी बोला है तो मीडियम स्पाइसी भी अच्छा है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आप पाव भाजी स्पाइसी वाला खाते हैं या बिना स्पाइसी वाला। टेस्ट भाई काफ़ी अच्छा है, मैं यही कहूँगा अलीगढ़ जंक्शन का क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी पाव भाजी इसकी। तो भाई हम यहाँ पे हॉट डॉग बर्गर भी मंगा रहे हैं यहाँ का स्पेशल अलीगढ़ जंक्शन का। तो भाई हॉट डॉग बर्गर मतलब मैं आप किस टाइप का होता है मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ा बता दें। ये वेजीज से बोला है और ये न्यूट्रिशियस भी है टेस्ट के साथ साथ। बीट रूट डालते हैं हम लोग, कैप्सिकम डालते हैं, अनियन डालते हैं और पटेटो डालते हैं। अच्छा, सबको बैलेंस करके मैश करते हैं। ओके, जब तक मैश करते हैं जब तक ये पूरा मैश ही ना हो जाता है। बहुत बढ़िया, इसलिए इसका कलर थोड़ा रेडिश हो जाता है और फ्लेवर ही आ जाता है थोड़ा। बहुत बढ़िया, बना के दिखाइए आप। श्योर श्योर। आज थोड़ा मैसी इसलिए क्योंकि यार बारिश हो रही है, सुबह से जलमग्न हो गया है सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। तो आप क्या डाल रहे हो भाई सबसे पहले? ये इसके ऊपर पहले रेड सॉस। ओके, और ग्रीन सॉस। इसमें वैसे तो बाजार वाला भी मिल सकता है, बाजार का लगा सकते हो, बट ये हमारा घर से बनाया होता है, स्पेशल फ्लेवर्ड है। बहुत बढ़िया। अभी ड्रेसिंग के लिए यूज करते हैं मेयोनीज। ओके, और चिपोटले, दोनों वेज है, 100% वेज। ओके, एगलेस। बहुत बढ़िया। ये हमारा तवे पे इसलिए रहता है, ये रोस्ट होता रहता है। ओके, तो जितना ज़्यादा रोस्ट होता है ये अपना पेस्ट उतना ही मज़ा इसका लगे। सही बात है। तो ये वेजिटेबल्स है इसमें? यस, इसमें वेजिटेबल्स। रेडिश कलर बीट रूट की वजह से आता है। ओके, क्या क्या इंक्लूड करता है? बीट रूट, कैप्सिकम, मेन इंग्रेडिएंट जो है बीट रूट है इसका। ओके, जैसे स्वीट और सार फ्लेवर दोनों मिल जाते हैं। ओके, हमने पहली बार एक हॉट डॉग बर्गर का कॉन्सेप्ट सुना है पहली बार अलीगढ़ में। एग्जैक्टली, ये बेसिकली इसकी मेकिंग हॉट डॉग की तरह, क्योंकि वेज है तो वेजीज यूज हो रही है। ओके, और प्लस इसका शेप बर्गर जैसा है इसलिए इसका नाम हॉट डॉग बर्गर है। बहुत बढ़िया। ये NCR गाजियाबाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा काफी। अच्छा अच्छा, तो आप चीज वाला खाना पसंद करेंगे? रेगुलर वाला। ओके, एक और खासियत है बटर में फ्राई होता है। ओके, और इतना ज्यादा भी नहीं होता कि कई बार क्या होता है लोग तल देते हैं, पहले बर्गर को तलते हैं बन को, उसके बाद कट करके तब शुरू करते हैं उसकी मेकिंग। ओके, बट हमारा ये कंप्लीट होने के बाद ही आपका फ्राई होता है। अच्छा, तो इसकी जो अपर क्रस्ट है वो क्रंची होती है। ओके, अंदर ये सॉफ्ट होता है। बहुत थोड़ा अपोजिट है उसके। ओके, टिक्की वाले बर्गर से थोड़ा प्रेस करेंगे, जब ये थोड़ा हल्का शैलो फ्राई हो जाएगा उसके बाद इसको थोड़ा प्रेस करेंगे। ओके, ये शेप में आ जाता है। ओके, तो भाई आ चुका है अलीगढ़ जंक्शन का स्पेशल हॉट डॉग बर्गर।
तो आपने भाई, तो गाइस आपने देखा होगा भाई ने किस तरीके से इन्होंने बताया पूरा हॉट डॉग बर्गर के बारे में। इनका जो स्पेशल रेसिपी है पूरा होममेड है, मतलब पूरा घर का बना हुआ रेसिपी है। और इसको मैं आपको दिखा सकता हूँ, दिखने में काफ़ी अंदर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी फीलिंग्स लगी हुई है। बेसिकली बीट रूट वेजिटेबल्स डली हुई है इसमें, और इसमें प्याज टमाटर वगैरह ये सब डला हुआ है हॉट डॉग बर्गर में। तो टेस्ट करते हैं और आपको बताते कैसा है। ये पूरा अमूल बटर में ही सिकता है ये बर्गर पूरा, तो काफ़ी बटरी फ्लेवर भी आ रहा है इसमें, बीट रूट टाइप का फ्लेवर आ रहा है इसमें। ये आप ट्राई ज़रूर करिएगा, अलीगढ़ जंक्शन का ही नया कॉन्सेप्ट है हॉट डॉग बर्गर का भी। ये था अलीगढ़ जंक्शन का स्पेशल पाव भाजी बर्गर और हॉट डॉग बर्गर, काफ़ी अच्छा था टेस्ट में। आप जब भी आओ यहाँ पर आप आ सकते हो रामगढ़ रोड पे, ये साइंस फील्ड स्कूल के ऑपोजिट ही रामगढ़ रोड पे स्ट्रीट फूड वाले लाइन पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो भाई इसी से हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो बाकी गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऐसे से मजेदार वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहूंगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।